उस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के भरतपुर की बीजेपी सांसद रंजीता कोहली पर एक बार फिर से खनन माफिया ने हमला किया है। हमले में सांसद बाल बाल बची हैं। हमलावरों ने उनकी कार को तोड़ दिया। इस पर सांसद रंजीता कोहली ने खेतों में भागकर अपनी जान बचाई। हमले के बाद हमलावर फरार हो गए। आधी रात को बाद में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक समेत अन्य आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। दूसरी तरफ हमले से नाराज सांसद रंजीता कोहली रात भर से धरने पर बैठी हुई हैं। भरतपुर सांसद रंजीता कोहली की गाड़ी पर खनन माफियाओं द्वारा हमला किया गया और सांसद रंजीता कोहली को जान से मारने की कोशिश की गई। ये वो जगह है जहां पर खनन माफियाओं ने हमला किया और ये वो गाड़ी है जिसको पत्थरों से पूरी तरह तोड़ा गया और ये गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। सांसद जो रंजीता कोहली हैं, वो उन्होंने गाड़ी से कूद करके जो है अपनी जान बचाई, बाल बाल वो बची हैं। और इस पूरे मामले में करीबन 11:30 और 12 के बीच का ये पूरा घटनाक्रम है। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दौरान सैकड़ों ओवरलोड ट्रक इस रास्ते से गुजर रहे थे, तभी सांसद रंजीता कोहली दिल्ली से जो है वो भरतपुर आ रही थी, तो उन्होंने रास्ते में देखा कि किस तरह से ओवरलोड जो ट्रक हैं वो जा रहे हैं, तो उन्होंने ट्रकों को रुकवाया। तभी खनन माफिया बेलगाम हो गए और उन्होंने इनकी गाड़ी पर जो है पथराव कर दिया। ये देखिए किस तरह से हालात जो है गाड़ी की हो गई है, पूरी गाड़ी जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। तो कहीं ना कहीं पुलिस का यहाँ पर जो है वो पूरा फेलियर रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने खुद पुलिस अधीक्षक को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है और ये उन्होंने कहा ये खनन का मामला है। खबर है कि पेंटागन में हमले का प्लान भी तैयार हो गया है, यहां तक कि मिसाइल अटैक की लोकेशन भी लॉक हो चुकी है।